आवाज कट रही है तुम्हारी अक्षत। अच्छा, तो अगर कोई क्वेश्चन है टाइप कर दूँ कि आवाज़ कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वो बहुत ही रुक रुक के आ रही है। कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ख्याल से वो ड्रॉप हो गया है। चलो हम लोग अपना शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था सॉफ्ट मैक्स लॉस फंक्शन, ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि इसका मेन यूज़ क्या था। इसका मेन यूज़ था कि हमारे पास अगर हम एक रिग्रेशन या एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ले, तो हमारे पास जो एक न्यूरॉन से जो आउटपुट आता है, तो वो अनबाउंडेड रहता है। उसकी वैल्यू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, और वो वैल्यूज़ आपस में डिपेंडेंट नहीं होती हैं। मतलब अगर, और हम लोग क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो मेरे पास 3 न्यूरॉन आए, तो अगर ये कैट, डॉग और ह्यूमन का है, तो अगर ये ह्यूमन को प्रिडिक्ट करे, तो कैट और डॉग को लेस प्रिडिक्ट करे, ठीक है। मतलब जो कॉन्फिडेंस स्कोर है कि इसमें ह्यूमन है या इसमें डॉग है या कैट है, वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करे। तो हम उसे कॉन्फिडेंस स्कोर या प्रॉबेबिलिटी में चाहते थे, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या निकाला, हमने कहा कि भाई इसके लिए सॉफ्ट मैक्स लगा दो। तो सॉफ्ट मैक्स क्या करता है कि जो भी आपके पास न्यूरल नेटवर्क के न्यूरॉन्स का एक आउटपुट आता है, इसको ये प्रोबेबिलिटी स्कोर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मेरे पास 12, 33 और 381 आएगा, तो इसको ये कुछ प्रोबेबिलिटी स्कोर्स जैसे कि 0.3, 0.2 और 0.7 ऐसे कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये छोटा रहेगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा। तो सॉरी, 0.3, 0.2, 0.5 बराबर होना चाहिए। तो ये था सॉफ्ट मैक्स का मेन रूल, ठीक है। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि न्यूरल नेटवर्क किसको सोचता है कि ये सही प्रिडिक्शन, मतलब कि वो क्या प्रिडिक्शन सही है। तो मान लो कि डॉग के लिए मेरा है 0, मतलब कि जो पहला न्यूरॉन है ये डॉग के लिए है, कैट के लिए है 1 और ह्यूमन के लिए है 2, ठीक है। तो अब मेरे पास ये स्कोर आया क्या, 0.3, 0.2, 0.5, ठीक है। इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्कोर लास्ट इंडेक्स का आया है, मतलब कि तीसरे न्यूरॉन का आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूरल नेटवर्क है या जो हमारा मॉडल है, वो बता रहा है कि अगर अब मुझे इसमें निकालना हो कि ये क्या बताना चाह रहा है, तो मैं उसी स्कोर को चूज़ करूँगा जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो वो है ह्यूमन, ठीक है। एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई। हाँ, तो ये ह्यूमन है। तो अगर मैं इसका एरे वाइज इंडेक्स लूँ, तो इंडेक्स है 2, ठीक है। तो मुझे 2 निकालना है, मुझे पोजीशन 2 निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स निकालना है। मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्कोर का इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपके पाइथन में, नंपाई में एक फंक्शन होता है np.argmax। मैक्स आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकालता है, argmax आपकी वो इंडेक्स निकालता है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है। तो ये आपका 2 रिटर्न कर देगा। अच्छा, होता कैसे है, अभी तक हम लोगों ने डेटा की ज़्यादा बात नहीं करी है। डेटा हम लोग का जो आता है, तो एक तरफ तो हमारे पास फीचर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, फीचर्स या फिर कॉलम्स होते हैं।
और एक हमारे पास होता है प्रिडिक्शन कॉलम, जिस चीज़ को हमें प्रिडिक्ट करना है। अब ये मेरे घर का प्राइस हो सकता है, ये मेरी कोई कैटेगरी हो सकती है, मेरी किसी डॉग की ब्रीड हो सकती है, या कैट है, चेयर है, लैपटॉप है, क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें तो चलो सामने लिखा रहेगा कि भाई कि यहाँ पर कैट है, यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर ह्यूमन है और यहाँ पर बर्ड है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में हमारा सारा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जाता है, तो हमें इस डेटा को भी, अब ये डेटा तो हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट ये जो हमारे पास प्रिडिक्शन कॉलम है इसको भी हमें न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला तरीका होता है कि आप इसकी पोजिशनिंग दे दो। आप कह दो कि अगर कैट है तो मैं इसको जीरो बोलूंगा, अगर डॉग है तो उसको वन बोलूंगा, अगर ह्यूमन है तो उसको टू बोलूंगा, और अगर बर्ड है तो उसको थ्री बोलूंगा, ठीक है। मतलब मैंने खाली इनको नंबर्स दे दिए, अरे जीरो से शुरू किए और मैंने इनको खाली नंबर्स दे दिए कि भाई जहां पर कैट हो वहां पर जीरो कर दो, जहां पर डॉग हो वहां वन कर दो, ह्यूमन को टू कर दो, बर्ड को थ्री कर दो। एक ये नंबरिंग होती है। एक नंबरिंग और होती है, उसे हम लोग कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। असल में इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रिडिक्शन कॉलम में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। असल में जब हमें, जो हमारे पास फीचर्स और कॉलम्स हैं, जब हमें उनको न्यूमेरिकल में बदलना पड़ता है तो उसमें अगर हम इस तरह की नंबर देते हैं तो मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम है या डीप लर्निंग एल्गोरिथम है वो समझती है कि थ्री जीरो से बड़ा है तो थ्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बर्ड कैट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ह्यूमन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और डॉग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थ्री का जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट है वो इन तीनों से बड़ा है। तो इस वाली एनकोडिंग को, इसे हम लोग एनकोडिंग कहते हैं कि आप किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदल रहे हैं। इस वाली एनकोडिंग को अगर हम अपने फीचर्स और कॉलम्स में, अगर हम अपने टेक्स्ट डेटा को इस तरह से न्यूमेरिकल कन्वर्ट करते हैं तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीख नहीं पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिसका नंबर बड़ा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि यहाँ पर कैट डॉग ह्यूमन बर्ड सब बराबर है, प्रिडिक्शन कुछ भी हो सकता है, आपकी फोटो में इन चारों में से कोई भी कैटेगरी हो सकती है, ओके? तो ये वाली जो एनकोडिंग होती है ये दिक्कत करती है। तो इसी का सोल्यूशन निकाला इन्होंने वन हॉट एनकोडिंग। इन्होंने कहा कि ठीक है, कैट डॉग ह्यूमन और बर्ड है, इन्होंने कहा कि आप इसको एक एरे में डाल दो, कैट डॉग ह्यूमन और बर्ड, ठीक है, इस एरे में डाल दो। अब जहां पर कैट आएगा, जिस रो के लिए प्रिडिक्शन मेरा कैट होगा, उसकी वैल्यू में जहां पर कैट की पोजीशन है खाली वो वन रहेगा, बाकी सारे जीरो रहेंगे। जहां पर डॉग आएगा वहां पर सिर्फ डॉग वाली पोजीशन में वन रहेगा, बाकी सारे जीरो रहेंगे। जहां पर ह्यूमन आएगा खाली वो पोजीशन वन रहेगी, बाकी सारी जीरो रहेंगे, और जहां पर बर्ड होगा खाली वो पोजीशन वन रहेगी, जीरो रहेंगे। इस एनकोडिंग को कहते हैं हम लोग वन हॉट एनकोडिंग, कि पूरे एरे में से सिर्फ एक वैल्यू ही आपकी पॉजिटिव है या फिर एक किसी में वैल्यू है, बाकी सारी जीरो है, ठीक है। तो हम लोग अपने कोड, अपने जो प्रिडिक्शन वाले कॉलम हो उसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, कि या तो नंबर दे दें डायरेक्ट, और ये वाली एनकोडिंग जो है, ये वाली 0, 1, 2, 3 वाली, ये प्रिडिक्शन में सही काम करती है, क्योंकि मशीन लर्निंग इस कॉलम से नहीं सीखती है, इस कॉलम से खाली चेक करती है। और ये वाली एनकोडिंग मेरी दोनों तरफ, चाहे आपके फीचर्स हो जो हम लोग डेटा सेट लेकर आ रहे हैं वो वाले कॉलम्स हो, चाहे मेरे पास प्रिडिक्शन वाले कॉलम हो, दोनों में ये काम करती है, ठीक है। तो आपको आउटपुट, मतलब जब आपको डेटा मिल सकता है तो इन दोनों में से किसी फॉर्मेट में मिल सकता है, ठीक है। आप एक से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट सकते हो? इसको आपको जीरो में कन्वर्ट करना है, इसको वन में करना है, इसको टू में करना है, इसको थ्री में करना है, कैसे कर सकते हैं? लेबल एनकोडिंग यूज करके, लेबल एनकोडिंग नहीं यूज करके। अभी हम लोगों ने देखा ना np.argmax क्या कहता है, उसकी पोजीशन रिटर्न करता है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो। इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू किसमें है? कैट वाले में, जीरो पोजीशन पर। तो अगर मैं इस एरे के ऊपर argmax लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। इसके ऊपर argmax लगा दूंगा तो वन मिल जाएगा, इसके ऊपर लगा दूंगा टू हो जाएगा, तो इसके ऊपर लगा दूंगा थ्री हो जाएगा। और अगर मुझे इससे वन हॉट एनकोडिंग में चेंज करना है तो
तो आपके पास पाइथन में, नमपाई में, मेरे ख्याल से साइकिट में वन हॉट एनकोडर होता है, और ये पाइटॉर्च में भी मिल जाता है, किसी और लाइब्रेरी में मिल जाता है, तो ये इतनी बड़ी इशू नहीं है। तो दोनों तरीके से हमें डेटा मिल सकता है और हमें दोनों को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हमारा कल सॉफ्टमैक्स का देखा, और डेटा हमारा किस फॉर्मेट में आ सकता है, तो हमें एक्यूरेसी निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका मैक्सिमम आर्गमैक्स ले लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ पर 2 था और यहाँ मेरा आर्गमैक्स में 2 आया, तो मतलब कि ये सही है, मतलब कि जो प्रिडिक्शन करी है मेरी एल्गोरिथम ने वो एकदम सही एल्गोरिथम ने प्रिडिक्शन करी है। बट इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मान लो मेरे पास 2-3 यही है, ठीक है, 0.1, 0.3 और 0.6। एक मेरे पास ये आए मेरे पास सॉफ्ट मैक्स के आउटपुट्स, ठीक है, मैंने पूरा न्यूरल नेटवर्क चलाया, पूरा फॉरवर्ड पास किया, मेरे पास ये आउटपुट आया। एक मेरे पास दूसरा आया 0.29, 0. ये कह लो 32, 0.34 और 0.3364635 कर लो, 527 0.33, अच्छा उल्टा कर दो 0.033 0.3535, ठीक है। ये मेरे पास एक दूसरे न्यूरल नेटवर्क से आउटपुट्स हैं, ये भी मेरे पास मेरे सॉफ्ट मैक्स के आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब इस इन दोनों में बताओ ये कौन सी क्लास प्रिडिक्ट करेगा, जीरो पॉइंट थ्री फाइव वाली, हाँ उसकी पोजीशन क्या है, दोनों में बताओ इसमें क्या करेगा और इसमें क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पहले वाले में, दूसरे वाले में भी सेकंड पोजीशन, टू इंडेक्स है, ठीक है, दोनों में टू इंडेक्स है, तो दोनों में जो सेकंड क्लास होगी मेरी ऑर्डर वाइज वो प्रिडिक्ट करेगा। अच्छा, कल हम लोगों ने बात करी थी कि सॉफ्टमैक्स हमें प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस स्कोर बताता है कि न्यूरल नेटवर्क कितना कॉन्फिडेंस है करने में, कि इसकी इसके अंदर ये क्लास है, ठीक है। तो पहले दोनों में से कौन सा न्यूरल नेटवर्क ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला है, क्योंकि ये इसमें बता रहा है कि इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, 60% कॉन्फिडेंट है कि उसमें एक ह्यूमन है, और ये यहां पर तीनों में कंफ्यूज्ड है, या ऑलमोस्ट चलो कॉन्फिडेंस तुम यहां पर उसको एयरबैग्स लगा के तो निकाल लोगे, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। तो अब जो न्यूरल नेटवर्क मेरा सीख रहा है, ठीक है, उसको अगर मैं एक्यूरेसी से सिखाऊंगा तो ये दोनों बराबर है, राइट, क्योंकि ये भी सेकंड क्लास प्रिडिक्ट कर रहा है, ये भी सेकंड क्लास प्रिडिक्ट कर रहा है, राइट, ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। तो अगर वो इससे सीखेगा तो उसके लिए ये दोनों बराबर है, बट हमें ये वाला चाहिए, हमें पहला वाला चाहिए कि हम जाते हैं कि न्यूरल नेटवर्क में ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। तो हम सिर्फ इसकी की कौन सी क्लास प्रिडिक्ट करी है हम इसके ऊपर नहीं डिपेंड रह सकते हैं, हमें इन स्कोर्स का कोई फायदा उठाना पड़ेगा, हम सिर्फ कि उसने कौन सी क्लास प्रिडिक्ट करी है और वो सही क्लास है कि नहीं हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रखते, हमें इन कॉन्फिडेंस स्कोर्स का भी फायदा उठाना पड़ेगा। और इसी के सोल्यूशन लाया हमारे पास कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस। थ्रेशोल्ड लगा देते अगर तो? नहीं, थ्रेशोल्ड लगा देते, चलो थ्रेशोल्ड तुम क्या लगाते, 0. मान लो कि तुमने 3.5 लगा दिया तो भी दोनों आ जाएंगे, ये सही है। तो वो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि एकदम परफेक्ट हो। तो पहली बात यहां पर डिस्कस करते हैं लॉस क्या होता है। तुमने थोड़ी सी मशीन लर्निंग देखी है अक्षत, आपने मशीन लर्निंग देखी है, पढ़ी है? बिल्कुल नहीं पड़े। अच्छा, तो लॉस क्या होता है, लॉस हमारा होता है कि भाई हमारे पास, अभी तुम्हें खाली बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ देखी है लॉस वाला, तुम थे कि नहीं थे उन वीडियोस में, नहीं धवल था, ठीक है, वो चला गया छोड़। तो लॉस वाला जो था, लॉस का क्या कॉन्सेप्ट होता है
हम लोग रैंडमली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो हमें करना क्या है, हमें अपने वेट्स और बायसेस को ऐसे चूज करना है कि हमारा जो प्रिडिक्शन हो वो सही हो। सही, ये है हमारा न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। और हमें पता नहीं है कि वेट्स एंड बायसेस क्या होंगे, तो हम लोग रैंडमली स्टार्ट करते हैं, हम उसको बाद में अपडेट करते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो अब सही हो, हमारे प्रिडिक्शन सही हो, तो सही होने के लिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक होना चाहिए कि मान लो कि भाई कि मैं कहूं कि जी हाँ चलो ठीक है, जैसे कि हम बना रहे हैं एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना रहे हैं जो क्रिकेट के वीडियोस देखकर स्कोर अपने आप कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अब उसने दोनों हाथ उठाए अंपायर ने, तो दोनों हाथ का मतलब होता है सिक्स और एक हाथ का मतलब होता है आउट, ठीक है। अब मान लो कि उसने फोटो उठाई, फोटो से उसने उसका पोज निकाला, पोज निकाल कर उसने कहा कि एल्गोरिथम ने बोला कि ये आउट है, बट एक्चुअल वैल्यू थी सिक्स, ठीक है। तो अब हमें इसको, इस आउट को सिक्स की तरफ ले जाना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये आउट सिक्स से कितनी दूरी पर है, मतलब कि हमें ये ढूंढना है कि जो मेरा प्रिडिक्शन आ रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है। हमें ये चीज चाहिए, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा तभी तो हम इस गैप को लेस कर पाएंगे। अगर आपको दो दो लोग की चीज की दूरी का पता ही नहीं है कि दूरी कितनी है, तो उसके गैप को कम कैसे करोगे। तो हमें इन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसी चीज निकालनी पड़ती है जो कि हमें बताए कि तुम्हारा जो अभी करंट प्रिडिक्शन है और एक्चुअल प्रिडिक्शन है ये कितना दूर है, एक्चुअल प्रिडिक्शन कितना दूर है, ये चीज हमें निकालनी पड़ती है। तो इसी को निकालने का तरीका हम लोग कहते हैं लॉस। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐसा मैथ्स का फॉर्मूला बनाते हैं। वो मैथ्स का फॉर्मूला ऐसा होता है कि जब प्रिडिक्शन इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू होगा, जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल वैल्यू है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब प्रिडिक्शन एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। तो हम लोग को इस लॉस फंक्शन को, इस मैथ्स के फॉर्मूले की वैल्यू को जीरो की तरफ लेकर आना है। तो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है, मतलब कि एक बहुत सिंपल तरीका, आप ये मान लेते हो कि आपके पास प्रिडिक्शन है और एक्चुअल है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो प्रिडिक्शन है 5, एक्चुअल वैल्यू है 10, तो हम इसका डिफरेंस लेकर स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं, उसका भी रीजन है, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे कैसे आएगा। बट मेन एक ये बहुत बेसिक लॉस फंक्शन होता है, इसे कहते हैं स्क्वायर लॉस। ये लॉजिस्ट, ये लीनियर रिग्रेशन में यूज होता है, बट यहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि भाई कैट बोला था तो कैट ही होना चाहिए, कैट बोला था तो अगर शेर लेकर ये नहीं बोल सकते हो कि शेर भी क्योंकि उसी कैटेगरी का है तो इसका लॉस कम होना चाहिए, नहीं, गलत है, ये गलत प्रिडिक्शन है, ठीक है। रिग्रेशन में ये काम कर सकता है बट क्लासिफिकेशन में नहीं कर सकता है। तो हमारे पास क्या होता है कि भाई कि हमें कुछ ऐसा मैट्रिक या तरीका निकालना पड़ता है जिससे हमें ये पता चले कि हम लोग कितनी दूर हैं अपनी एक्चुअल वैल्यूज से, ठीक है। तो अब एक्चुअल वैल्यूज कैसे फॉर्मेट में होंगी, तो हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग अपने क्लासेस को वन हॉट एनकोडिंग से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया 100, ठीक है, मेरे पास सॉफ्टमैक्स का आउटपुट आया, ये आया मेरे पास 0.73, 0.2 और 0.07, ठीक है। सॉफ्टमैक्स का आउटपुट ये आया, एक्चुअल वैल्यू ये है, तो हमें क्या निकालना है कि ये इस पोजीशन से कितनी दूर है, ठीक है। तो अब इसमें इसी को निकालने का तरीका है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ठीक है। नाम खतरनाक है, काम बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, हाँ सर, जब मशीन लर्न करती है तो उसको हम लोग मतलब उसका रियल जो एक्चुअल आंसर होता है वो भी बताते हैं ना उसको, हाँ हाँ
तभी ना वो एक्चुअल कैलकुलेट आंसर करेगा तभी रॉ तो, हाँ, एग्जैक्टली जब तक रियल आंसर नहीं पता चलेगा तब तक चलेगा। उसे पता कैसे चलेगा कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए ना। और जब एक बार लर्न कर लेते हैं तब उसको आंसर नहीं पता होता ना। जब लर्न करने के बाद जब हम लोग टेस्ट कराते हैं, जब टेस्टिंग में जाते हैं, हाँ ट्रेनिंग के बाद जब टेस्टिंग में जाते हाँ हैं तब उसको आंसर नहीं बताते हैं, उससे हम आंसर निकालते हैं और फिर अपना चेक करते हैं कि इसने कितना सही बताया। अच्छा मतलब जैसे ऐसे समझ लो कि तुम जैसे मैथ्स का सोल्यूशन करते थे अपने स्कूल में, तो जब तुम्हारी क्लास चल रही होती थी तब तुम एग्जाम्पल वाले सेक्शन देखकर, तुम्हें आंसर रहता था तुम्हारे पास, तुम उसको देखकर सीख लेते थे, बट जब तुम पेपर देने जाते थे तो तुम्हारे पास आंसर 2 दिन बाद आता था कि तुमने पूरा कर लिया है पेपर, उसके बाद मैच करते थे कि यार ठीक है 100 में से कितने नंबर आए। तो मशीन के पास ट्रेनिंग के टाइम पर आंसर रहते हैं, टेस्टिंग के टाइम पर आंसर नहीं रहते हैं। और अगर टेस्टिंग के टाइम पे भी आंसर है या फिर वही क्वेश्चन जो उसने पढ़ाई के टाइम पे देखे थे वही एग्जाम में आ जाए, तब तो उसका कुछ सीखने का फायदा नहीं हुआ ना। तब तो उसने ये मान सकते हो कि रट लिया, जो मैथ्स के क्वेश्चन आपने रट लिए और वही क्वेश्चन टेस्ट में आ जाए तो फिर आपने सीखा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं थोड़ा सा कि कॉन्सेप्ट सेम लगे लेकिन वैल्यूज अलग हो जाए, ये सब चीज़ें। वही एकदम एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल है ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला, ठीक है। तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, नाम खतरनाक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या है इसका, एल ऑफ आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ वाई आई, सॉरी हाँ वाई आई इंटू लॉग ऑफ वाई आई हैट, ठीक है। आई यहाँ पर क्या है कि आपका है आईएथ सैंपल है या फिर आईएथ रो ऑफ डेटा है कि आपके पास एक रो के लिए एक्चुअल वैल्यू है। अच्छा ये नोटेशन और देखो, वाई का मतलब जनरली मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में होगा कि एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल प्रिडिक्शन जो असली है, ठीक है। और जहां पर भी हैट लगा होगा, हैट मतलब ये एरो, इसका मतलब होगा कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये सब नोटेशन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। ये है फॉर्मूला। इसका एक सिंपलर फॉर्म भी हो जाता है, वो होता है एल आई इक्वल टू माइनस समेशन लॉग ऑफ वाई आई हैट। इसका रीजन बताते हैं, ये एक पर्टिकुलर केस में होता है, ये उस केस में होता है जब आपके पास वन हॉट एनकोडिंग रहती है तब, मतलब कि हाँ वन हॉट एनकोडिंग क्या रहती है आपके पास, मतलब वही यही एक सिंपल केस में ये भी रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है और ये ज्यादा कठिन लग रहा है बट है नहीं, क्यों नहीं है चलो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसने पढ़ रखा है तो उसके लिए लॉग लॉग इसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉग लॉस फंक्शन, तो इसे हम लोग लॉग लॉस क्यों नहीं कहते, क्योंकि लॉग लग रहा है और ये लॉस फंक्शन है। तो उसका रीज़न ये है कि जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग लॉग लॉस पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे पास 2 क्लासेस होती हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो कैट होगा या डॉग होगा। न्यूरल नेटवर्क के केस में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं, इसलिए हम लोग इसे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस कहते हैं। नहीं तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला वीडियो देखोगे तो आप कहोगे तो सेम फॉर्मूला, इसे हम लोग लॉग लॉस क्यों नहीं बोल रहे। उसका रीजन यही है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में 2 क्लासेस होती हैं, इसमें हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। इसका और थोड़ा सा सर, यहाँ पर लोग उसमें सर मशीन लर्निंग में सर हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते थे सर उसमें इवैल्यूएशन के लिए, तो इसमें सर क्रॉस एंट्रोपी करते हैं। नहीं 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 इवेल्युएशन के लिए बाद में हम लोग देखते थे, ट्रेनिंग कैसे करते थे, ट्रेनिंग तो उसमें भी हम लोग लॉस फंक्शन से ही करते थे ना। हाँ अभी तो मतलब डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का क्या मतलब कैसे निकाल सकते डिफरेंस, मतलब नहीं डिफरेंस हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, अभी हम लोग मैंने बस वो लॉस समझाने के लिए कि लॉस होता क्या है, तो वो हम लोग ऐसे निकालते थे डिफरेंस, ठीक है। अभी हम लोगों ने खाली लॉस फंक्शन निकाला है, हाँ क्या डिफरेंस है कैसे डिफरेंस है ये चीज़ हम लोग देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर लॉग से क्या फायदा हो रहा है ये तो मैंने अब तक बताया नहीं। मैं सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर देता हूँ, उससे भी मेरा निकल सकता है लॉस फंक्शन, तो निकल सकता है, बट यहाँ पर लॉग क्या फायदा करता है वो आगे है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और लॉस फंक्शन को मत मर्ज करो। लॉस फंक्शन होता है आपका ट्रेनिंग के लिए, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है हमारे लिए,
इसमें कंप्यूटर का काम नहीं होता, ये हमारे लिए है कि हमने जो मॉडल ट्रेन किया था, ठीक है, ट्रेन करने के बाद जब टेस्ट किया उसे, तब वो कितना सही कितना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये हमारा सब ट्रेनिंग होने के बाद निकालते हैं हम लोग। लॉस हम लोग ट्रेनिंग के दौरान ही निकालते हैं सिखाने के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन और लॉस को ना ले जाओ शिक्षक, ठीक है। तो ये है, तो आज इसका थोड़ा सा कोड देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है ये, गलत आ गया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मेरे पास स्क्रीन दिख रही है ना, मेरा फंक्शन क्या है, माइनस समेशन वाई आई इंटू लॉग ऑफ वाई आई हैट। तो ये जो लॉग निकाल रहे हैं ये हम लोग सॉफ्ट मैक्स का जो आउटपुट आया है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है वो है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। तो हमने इसको किया, तो मेरे पास ये आउटपुट था, ये देखो ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसका सम वन होता है, ये मेरे पास टारगेट वैल्यूज थी वन हॉट एनकोडेड में, तो इसको मैंने करा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू है उसको लॉग ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू करना है मैंने, तो मैंने पहले लॉग ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाला कैसे, मैथ डॉट लॉग आउटपुट जीरो इंटू टारगेट जीरो, फिर मैथ डॉट लॉग आउटपुट वन इंटू टारगेट वन, फिर मैथ डॉट लॉग आउटपुट टू इंटू टारगेट टू, और तीनों को सम कर दिया, ये समीशन, ठीक है, और इसके बाहर माइनस लगा दिया। तो अच्छा ये बताओ यहां पर हम लोग माइनस लॉग क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल लॉग क्यों नहीं कर रहे, इनवर्स होगा ना सर? नहीं, इनवर्स क्या होगा, और यही चीज है, चीज पढ़ाई नहीं गई स्कूल में, मुझे भी नहीं पढ़ाई गई थी। लॉग ऑफ सॉफ्ट मैक्स आउटपुट, सॉफ्ट मैक्स आउटपुट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर वही यही होगा, क्योंकि लॉग वन के नीचे नेगेटिव वैल्यू होता है, और जब उसको मतलब फाइनल कर देंगे, फाइनल उसको इनटू माइनस वन कर देंगे, तो पॉजिटिव लॉस आ जाएगा। एग्जैक्टली यही है, लॉग वन मेरा जीरो होता है, लॉग का जो ग्राफ है, हाँ ये ग्राफ होता है लॉग का, इसमें लॉग वन जीरो होता है, और तो हमारा जो सॉफ्ट मैक्स है ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये हमेशा जीरो से वन के बीच में रहेगी, तो इसकी आउटपुट जो आएगा लॉग फंक्शन का वो हमेशा निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो उसको हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और मैंने क्या कहा कि लॉस हम लोग पॉजिटिव वैल्यू आती है इसको हम लोग जीरो की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, अगर ये निगेटिव आती तो हम उसे बढ़ा रहे हैं, बट हम लोग लॉस हमेशा मिनिमाइज करते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में जो आपका लॉस होता है आप उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। तो हमें लॉस एक पॉजिटिव फंक्शन चाहिए होगा और उसको हम जीरो की तरफ ले जाएं, तो यहां पर क्योंकि हम लोग लॉग यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमें माइनस लगाना पड़ता है, कि क्योंकि सॉफ्ट मैक्स की जो आउटपुट आएंगे इनकी वैल्यू जीरो से वन के बीच में मैक्सिमम होगी, और लॉग ऑफ दिस विल ऑलवेज बी निगेटिव, हमको उसको पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैंने किया, मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड किया, और ये देखो यही सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम लोग नंपाई से भी कर सकते हैं बहुत ईजिली, नीचे वाला कोड नंपाई का है। तो ये देखो मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट को एरे बनाया, ठीक है, उसका उसके ऊपर लॉग लगाया, क्योंकि जो आउटपुट का एरे है उसी के ऊपर लॉग लगेगा, टारगेट के नहीं, उसको मैंने टारगेट से मल्टीप्लाई किया, बाद में माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और सबका सम कर दिया, ये मेरा आ गया सेम वैल्यू। तो वही जो हम लोगों ने पहले देखा था कि आप एक काम को दो तरीके से कर सकते हो, हम उसे एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरा रीजन कि हमने लॉग फंक्शन क्यों लिया है, अच्छा रुको एक मिनट, हाँ इसमें एक चीज मैं डिस्कस करना गया, मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले बताए थे, एक बताया था समेशन ऑफ माइनस वाई आई लॉग वाई आई हैट, और एक मैंने बताया था समेशन ऑफ लॉग वाई आई हैट, ठीक है, लॉग वाई आई हैट, ये दोनों फॉर्मूले कैसे फिर डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर वाई आई नहीं है, वहाँ पर वाई आई है, लेकिन आपको दोनों का आउटपुट सेम आता है। उसका रीज़न क्या है कि देखो ये वन हॉट एनकोडेड मेंबर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है,
राइट, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा आउटपुट ना। यस सर, तो मुझे ये और ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे खाली उसी का लॉग कैलकुलेट करने की जरूरत है जो कि मेरी करेक्ट क्लास है। तो अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि मेरी करेक्ट क्लास का इंडेक्स जीरो है, तो मैं खाली अपने आउटपुट में से जीरो इंडेक्स का लॉग कैलकुलेट करूं, ठीक है? ओके यस सर। हाँ अच्छा, दूसरी चीज है कि जो आयथ इंडेक्स है इसकी वैल्यू वन होगी, तो मैं वन से किसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैल्यू सेम ही रहेगी ना। यस सर, जब वो सेम रहेगी तो मुझे वाई आई लॉग वाई आई हैट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसे माइनस समेशन लॉग ऑफ वाई आई हैट कर सकता हूँ। बट ये इस केस में होगा जब वन हॉट एनकोडिंग हो, ओके, या और तभी इस केस में ये चीज काम करेगी। और ये आपको खाली मतलब ये आई कॉमा जे है, जे का मतलब है कि वो आपका उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू, वही वाला इंडेक्स उठाकर उसी की वैल्यू करनी है, उसी का लॉग लेना है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने वो दो फॉर्मूले बताया, मैंने कहा वो सिंपलीफाई इस तरह से हो जाता है, ठीक है? उसको मैंने नंबाई में ऐसे कर लिया। अच्छा, ये जो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या आया था वहां पर, 0.32, 0.33 और 0.35, एक ये था और एक था 0.2, 0.2 और एक 0.6 था, ठीक है? ओके, मेरे पास ये दो थे, तो ये लेस कॉन्फिडेंस वाला है और ये मोर कॉन्फिडेंस वाला है। हमें इसको बढ़ाना है और अगर इस तरह की वैल्यूज आए तो मुझे उसे घटाना है, ठीक है? मान लेते हैं कि मेरा जो आउटपुट था वो था 0.0.1, ये सही है, ये मतलब कि लास्ट वाला इंडेक्स ही सही है, तो मेरा अभी भी एन पी आर्गमैक्स लगाऊंगा तो वो हमेशा सेकेंड इंडेक्स ही देगा। तो एक्यूरेसी के हिसाब से इसने सही प्रिडिक्ट किया, लेकिन कॉन्फिडेंस के हिसाब से इसने गलत प्रिडिक्ट किया, ठीक है? तो अच्छा देखो, अब अगर मुझे क्या लेना है, मुझे लॉग लेना है माइनस लॉग ऑफ 0.6 और माइनस लॉग ऑफ 0.35, यही तो मैं ले रहा हूं ना वो कैलकुलेट करने के लिए, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, जो मेरे पास कॉन्फिडेंस स्कोर आ रहा है उसी का तो मैं लॉग ले रहा हूं, ठीक है? तो लॉग की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब लॉग वन की तरफ जाता है तो वन पर क्या होता है, जीरो, ठीक है? 0.95 आया, ये क्या आया, माइनस 0.05, 0.9 माइनस 0.10, 0.8 माइनस 0.22, मतलब कि जब आपके पास कॉन्फिडेंस ये वन के पास होगा तो आपकी लॉग की वैल्यू जीरो, लॉस की वैल्यू जीरो के करीब आएगी, और जब आपका कॉन्फिडेंस स्कोर 1%, 5%, 10%, 20% है तो आपके लॉस की वैल्यू बढ़ रही है। ये निगेटिव यहां से हटा दो क्योंकि मैंने यहां माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन तुम ये देख सकते हो कि जब ये वन के पास है तो लॉस लेस है, जब ये जीरो के पास है तो लॉस ज्यादा है, यही तो हमें चाहिए था। यस सर, तो वो हमने कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी से वो चीज अचीव कर ली, ठीक है? तो बस यही हमारा काम था और यही हमने कर लिया। तो लॉग का आपका ये फायदा है, ठीक है? अब आ जाओ, ये क्या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पर मेरे पास बैच में इनपुट आया, तो बैच में इनपुट आया तो भाई बैच में आउटपुट भी आया, 3/3 का आया, मतलब कि तीन इनपुट और तीन न्यूरॉन, उनके ऊपर सॉफ्टमैक्स लगा के मान लो कि रैंडम वैल्यूज आई, टारगेट्स हैं ये। अच्छा, ये एक डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट वैल्यू है, ये आपकी वो वाली एनकोडिंग है जिसमें आप 0, 1, 2, 3 वाली करते हो, ये वन हॉट एनकोडिंग नहीं है ना। ये बता रहा है कि पहले इनपुट का कैटेगरी डॉग है, अगर जीरो डॉग है, दूसरे इनपुट की कैटेगरी कैट है और तीसरे की भी कैट है,
जो हम लोगों ने बनाया था ना अपना, कि पहला डॉग, फिर कैट, फिर ह्यूमन और फिर बर्ड, 0, 1, 2, 3, तो ये बता रहा है। इस तरह से भी हमारे पास डेटा हो सकता है। वो हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास डेटा दोनों तरीकों से हो सकता है, कि या तो नंबरिंग होंगी या फिर वन हॉट एनकोडिंग होगी। ठीक है, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो क्लास चूज करनी है, मतलब कि वो सॉफ्ट मैक्स की वैल्यू चूज करनी है, वो सॉफ्ट मैक्स की वैल्यू चूज करनी है जो क्लास वो है। अगर ये वन हॉट एनकोडिंग होता तो कैसे होता, 1 0 0 0 1 0 0 1 0, ऐसे ही तो होता, यस सर, कुछ और होता। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहली रो में से पहला वाला इंडेक्स उठाना है और दूसरी और तीसरी रो में से दूसरा वाला इंडेक्स उठाना है, यही तो मुझे करना है, राइट कि नहीं? अभी हम लोगों को नहीं देखा ना, यही मुझे करना है। मुझे 0.7, 0.5 और 0.9 वैल्यूज उठानी है। तो ये देखो, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खाली, ये नंपाई का एरे है, ये खाली मैं एरे की इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। मैं इसे लिख रहा हूँ कि अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा, रेंज ऑफ लेन ऑफ सॉफ्ट मैक्स, सॉफ्ट मैक्स आउटपुट्स ये हैं, ये 2D एरे है, तो ये इसकी नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा। क्या लेन ऑफ सॉफ्ट मैक्स क्या रिटर्न करेगा, रोज, रोज कितनी है, 3 है। इसके ऊपर मैंने रेंज लगा दिया पाइथन का, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0, 1, 2, ठीक है, यस सर, ठीक है। ये क्लास टारगेट्स है, क्लास टारगेट्स क्या है, 0, 1, 1, तो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये बस ये कह रहा है कि इसका पहला उठाओ, इसका पहला उठाओ, तो 0, 0, 1, 1 और 2, 2, ये तुम्हारे सही से कॉन्फिडेंस स्कोर्स हैं। तो यही तो ये हैं, ये पहला वाला 0.7 क्या है, 0.0 है, दूसरा वाला क्या है, ये 1.1 है, और तीसरा वाला क्या है, ये 2.1 है, सॉरी 2.1, यही तो है। तो ये मैंने वही लिखा है, तभी यहाँ पर मेरे पास जो कॉन्फिडेंस स्कोर थे वो मेरे पास आ गए, 0.7, 0.5 और 0.9। तो ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास आउटपुट जो है, जो प्रिडिक्टेड कॉलम है, वो दोनों तरीके से हो सकता है। आपको घबराना नहीं है, काम आप वही कर रहे हो, अभी भी आपको वही काम करना है, सॉफ्ट मैक्स के आउटपुट में से सिर्फ वो वाली वैल्यू उठानी है जो वैल्यू क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो हमने देखा कि अगर वन हॉट एनकोडिंग होती तो वो 0 से मल्टीप्लाई होती, वो अपने आप गायब हो जाती, हमें उसका कोई काम ही नहीं है, तो हम क्यों कैलकुलेट करें उसको। ठीक है, तो ये वही चीज है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कर लो सेम लिंक, ठीक है, 10-15 मिनट फिर और कोड देखते हैं इसका। ओके ठीक है, फिर ये कुछ नहीं किया है, बस ये जो वैल्यूज निकाली थी उसका लॉग लेना है और आ गया, इन्हीं का तो मुझे वैल्यूज देना था, इन्हीं वैल्यूज का मुझे लॉग लेना था, मैंने पूरे अपने 3x3 की मैट्रिक्स में ये वैल्यूज निकाल ली, मुझे इनका लॉग लेना है, और बाहर समेशन भी तो है, मतलब समेशन करने के बाद सम करो, और सम करने के बाद, तो ये देखो मैंने क्या किया है, सॉफ्ट मैक्स आउटपुट्स का लॉग लिया है। अच्छा यहाँ पर मैंने चैट, आवाज क्रैक हो रही क्या राहुल? नहीं यार, इसे अच्छा, और ये सम करने के बाद मैंने मीन ले लिया उनका, तो मेरे पास वैल्यू आ गई। अच्छा ये था सिंपल, आपके पास ऐसे वैल्यू हो तो क्या होगा, जब मेरे अब नेटवर्क यार अक्षत क्या कहे, ठीक है, अब मेरे पास वन हॉट एंड कोडेड वैल्यूज हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब मुझे इस 3x3 एरे से 0.7, 0.5 और 0.9 निकालना है, और मेरे पास ये दो एरेज हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इसकी रो इससे, इसकी रो इससे, इसकी रो इससे, और उसके बाद सम, जो जीरो वाली वैल्यूज हैं वो सारी जीरो हो जाएंगी, और क्या बचेगा, 0.7, 0.5 और 0.9। तो ये मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है, x इज इक्वल टू 1,
फिर से याद करो ये क्या है। x इज इक्वल टू वन का मतलब है रो वाइज, रो वाइज सम करो, और x इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कॉलम वाइज, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने भाई एन पी लॉट लॉग उसका मल्टीप्लाई आउटपुट उनका मीन ले लिया, सेम वैल्यू मेरे पास फिर से आ गई। तो दोनों तरीके सेम हैं, तरीकों में कोई अंतर नहीं है, बस आपके पास डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में है तो आप डिफरेंट तरीके से हैंडल करोगे, ठीक है। अब इसमें दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत np डॉट लॉग, लॉग ऑफ जीरो क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। यहां पर माइनस इनफिनिटी ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना, तो लॉग एट जीरो इज मतलब कि व्हेन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी देन लॉग ऑफ एक्स इज, सॉरी एक्स टेंड्स टू जीरो देन लॉग ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी। तो अच्छा ये आएगा क्यों, क्योंकि हम तो उसी उसका निकालेंगे ना जिसकी क्लास लेवल वन होगा, जिसका एक्चुअल क्लास लेवल वन होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग वाला सॉफ्टमैक्स का हम आउटपुट लेंगे, राइट? यस सर। अब भैया ये तो मशीन है ना, ये तो गलत कर सकती है। एक्चुअल क्लास लेबल है वन कैट, वो प्रिडिक्ट कर रही है डॉग, उसने उसने डॉग को एकदम बोल दिया कि भाई ये डॉग ही है, इसने प्रिडिक्ट किया 0,1,0, ठीक है। और एक्चुअल है मेरे पास, सॉरी एक्चुअल है मेरे पास 0,1,0, ठीक है। ये है एक्चुअल, ये है प्रिडिक्टेड, वो तो मशीन है ना, गलती कर ही सकती है, कुत्ता को बिल्ली मान ही सकती है, ठीक है। तो अब ये निकालेगा सॉफ्टमैक्स इसका, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग क्लास लेवल के करस्पॉन्डिंग ये है, ये निकालेगा लॉग ऑफ जीरो और कंप्यूटर का बैठ जाएगा ठप्पा, प्रोग्राम फेल। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन निकाला कि हम लोग हर वैल्यूज में मतलब कि एड वेरी स्मॉल वैल्यू इन आउटपुट्स, स्मॉल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम लोग यहां पर ले लेते हैं 1 × 10⁻¹, कि इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वो हमारा जीरो भी नहीं रहेगा तो हमारे पास लॉग की वैल्यू भी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें हर वैल्यू में 1 × 10⁻¹ ऐड करना है। आप 10⁻¹ भी कर सकते हो, −9 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। बट इससे एक दिक्कत और शुरू हो जाती है, मान लो मेरे पास एक्चुअल था 100 और प्रिडिक्टेड आया 100, ये मेरे पास आया सॉफ्ट मैक्स का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये मेरे पास एक्चुअल। yes, अब इसमें अगर मैं 1 + 10⁻¹ ऐड करूंगा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, yes, जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो इसका लॉग क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, yes, कि हमने देखा ना कि अगर 0 से 1 तक के बीच में है तभी आपके लॉग की वैल्यू निगेटिव आती है, 1 पर 0 आती है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस पॉजिटिव वैल्यू को आप −1 से मल्टीप्लाई करोगे अपने फॉर्मूले के हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव लॉस हो जाएगा, राइट? yes, ये निगेटिव लॉस हो जाएगा। हम लोग लॉस को क्या चाहते हैं, हम लोग लॉस को पॉजिटिव चाहते हैं, या तो 0 या पॉजिटिव, निगेटिव तो नहीं चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप 10⁻¹ ऐड करते हो तो उन केसेस में जहां पर ये परफेक्ट प्रिडिक्शन कर रहा है उस केसेस में लॉस आपका निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी दिक्कत है। तो हम एक इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि जो भी हमारे पास सॉफ्टमैक्स का आउटपुट आया है, ठीक है, इसको अगर इसको हम लोग क्लिप कर देते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, 0 से कम तो आ नहीं सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम कर देंगे 1 × 10⁻¹, और अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1 − 1 × 10⁻¹, मतलब कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटा कर देंगे, उसमें से डिक्रीज कर देंगे, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से जो सबसे छोटी है उसमें प्लस कर देंगे, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि ये लॉग की प्रॉब्लम, लॉग की प्रॉब्लम दोनों साइड क्यों कर रहे हैं,
बताया ना कि अगर मेरे पास मान लो परफेक्ट प्रिडिक्शन आया वन, हाँ नहीं तो वन आया तो ठीक है, जीरो हो जाएगा, लॉस जीरो हो जाएगा। नहीं 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 उसके पहले हमने कहा कि अगर मान लो जीरो आता है तो हमारे साथ दिक्कत होगी, हाँ तो उस दिक्कत का सोल्यूशन हमने हाँ क्या तो पहले निकाला? जीरो से। नहीं नहीं उस दिक्कत का हमने सोल्यूशन क्या निकाला कि सारी वैल्यूज में 10^-7 ऐड कर दो, हाँ ठीक है, हमने ये निकाला। अब अगर यहां पर वन है तो वन में अगर 10^-7 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वन से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो लॉस इसका पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग लॉग पॉजिटिव हो जाएगा, उसके आगे हम लोग माइनस वन से मल्टीप्लाई तो भी करते हैं तो ये वैल्यू टोटल निगेटिव हो जाएगी, जबकि हम ये लोग सब लॉस ठीक क्या है सर, चाहते हैं। लेकिन हाँ ये तो सब आ गया समझ में, लेकिन फिर आप बोले ना कि लॉस को मतलब जो जीरो साइड वाले को क्लिप कर देंगे कि अगर जीरो हाँ आएगा तो फिर प्लस 10^-7 करेंगे, वो तो ठीक है, हाँ लेकिन फिर वन के साइड के उसको माइनस क्यों कर रहे हैं, अगर जीरो साइड खाली करने से हो जा रहा है तो वन के साइड माइनस क्यों कर रहे हैं। नहीं तो जीरो साइड करने से हो जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं ना कि कौन से इंडेक्स पे जीरो है। हमारे पास तो सॉफ्टमैक्स से आउटपुट आया, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि चौथे न्यूरॉन पर है कि पांचवें न्यूरॉन पर है। अब या तो मैं ये करूं कि जहां जहां पर जीरो है वहां वहां पर मैं चेक करूं, ठीक है, कि यहां पर जीरो है तो मैं इसमें +10^-7 कर देता हूं। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला कि भाई कि मैं सब में ऐड कर देता हूं, जो भी वैल्यू आ रही है सब में ऐड कर दूं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फास्ट है, नंपाई में ये काम बहुत फास्ट है, एक नंबर को ऐड करना किसी वेक्टर में। अच्छा जब मैं ऐड कर रहा हूं तो भाई मेरे साथ दिक्कत आ रही है कि अगर वन होता तो आगे बढ़ जाता, तो मुझे वो भी चाहिए, तो मैं इसको क्लिप कर देता हूं कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी सॉफ्टमैक्स की, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसको मैं उसकी मैं मिनिमम वैल्यू कर दूंगा 10^-7 और मैक्सिमम वैल्यू कर दूंगा 1-10^-7। मैं वन भी कर सकता हूं, हाँ वही तो सर, वन भी तो कर सकते हैं, हाँ वन भी कर सकते हैं, तो वही बोल रहा था। मतलब लॉस जीरो आ जाएगा उसमें, हाँ उस पर्टिकुलर केस में लॉस जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है एनपी डॉट क्लिप है, ये यही काम करता है, या आप इसको मिनिमम देते हो आप इसको मैक्सिमम वैल्यू देते हो तो ये दोनों के बीच में आपकी लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 0, 1, 0.5 रखा था, तो मैंने सब में 10^-7 ऐड कर दिया, फिर मैंने क्लिप किया, फिर मैंने प्रेडिक्ट किया, फिर मैंने लॉस प्रेडिक्ट किया, सारी वैल्यूज मेरे पास लॉसेस पॉजिटिव आए। तो जो 1-10^ सॉरी 0.5 था उसकी वैल्यू थोड़ी छोटी आई है, जो वन था उसकी वैल्यू 10^-7 आई है, और मतलब इसने से क्लिक किया था तो एक सेकेंड, ये ऑल ड्राइंग्स मेरे पास था 0, 0, 1, 0.5, सब में मैंने 10^-7 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 10^-7, ये हो गया 1.000001 और ये हो गया 0.500001, ठीक है। मैंने इनको प्रिंट किया, ओके ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पर क्लिप कर दिया था, इसने इसको वन से छोटा बना दिया था, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आई है, हाँ मतलब लॉग की वैल्यू ज़ीरो आई है, इसने वन ऑलमोस्ट ज़ीरो है, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि कुछ तो वैल्यू है ही वन की, तो लॉग ऑफ वन ज़ीरो आया, लॉग ऑफ ज़ीरो कुछ वैल्यू आई है, मतलब 0, 10^-7 है, और लॉग ऑफ 0.511 की वैल्यू कुछ आई है। तो जो फाइनल कोड है इसमें मैंने दो चीज़ें करी हैं, एक हम लोगों ने लॉस की एक सुपर क्लास बनाई है, सुपर क्लास से क्योंकि हम लोग के अभी तक हम लोगों ने खाली एक एक लॉस देखा है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, हम लोग आगे और भी लॉसेस देखेंगे, रिग्रेशन के लिए लॉस देखेंगे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अभी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी काम करता है जब आपके पास परफेक्ट हो कि एक फोटो में एक ही क्लास रहेगी, राइट, उसमें या तो कैट है तो बाकी जीरो हैं, या तो डॉग है तो बाकी जीरो हैं,
ये काम करता है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी में, जबकि हमारी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई ये हमारी फोटो में कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, उस केस में कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी काम नहीं करेगा। तो हम लोग को और भी लॉस फंक्शन देखने हैं, तो यहाँ पर एक सुपर क्लास बनाई है लॉस फंक्शन की। इसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन है कैलकुलेट, इसको आप आउटपुट दो, इसको आप ओरिजिनल वैल्यूज दो। आउटपुट मतलब कि हमारे सॉफ्ट मैक्स वाले आउटपुट, और वाई है ओरिजिनल वैल्यूज। ये फॉरवर्ड लगाएगा इसके ऊपर, जो लॉसेज आएगा उनका मीन निकालेगा और वो रिटर्न कर देगा। और इसके नीचे जो कोड है वो है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस का। इसके अंदर फॉरवर्ड मेथड, मैंने कहा ना कि सब में फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा, अभी इसमें बैकवर्ड भी आएगा। मीन हेलो हाँ सर, वो ऊपर वाले कोड में मीन निकालेगा, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उन सबका मीन निकालेगा, जितने रोज रहेंगे, जितनी रोज रहेंगी, ठीक है, हर रो के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक लॉस आएगी वैल्यू, ठीक है। मेरे पास 10 इमेजेस हैं, तो 10 हर इमेज के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक लॉस आएगा कि प्रिडिक्टेड ये थी, एक्चुअल ये थी, इसका लॉस निकालो, ठीक है। मेरे पास 10 लॉस आ गए, ठीक है। अब मुझे इन 10 लॉस को किसी एक मेट्रिक में कन्वर्ट करना है, तो मैं इनका मीन ले लेता हूँ कि एवरेज लॉस ये है, ठीक है। ये मेरा लेयर टाइप का है, इसमें एक फॉरवर्ड मेथड है, इसमें प्रिडिक्शन वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू पुट करेगा तो ये पहले उसका लेंथ निकालता है कि उसकी लेंथ कितनी है मेरे प्रिडिक्शन की। यहाँ पर ये दो चीज़ें चेक करता है, इफ़ वाई टू डॉट शेप इक्वल टू वन और वाई टू डॉट शेप इक्वल टू टू। इसका रीज़न क्या है कि अगर शेप इक्वल टू वन है, मतलब कि वो सिंगल डायमेंशनल एरे है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी एनकोडिंग है वो नंबर वाली है, 1, 2, 0, 3 ऐसे वाली है, ठीक है। और शेप इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है कि ये एक वन हॉट एनकोडिंग है, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0। इसमें देखो, इसमें मेरे पास 2 हैं और इसमें यहाँ पर 1 है, तो अगर लेंथ शेप इसका 1 है तो मतलब कि सिर्फ 1D एरे है, तो ये एनकोडिंग मतलब कि नंबर वाली एनकोडिंग है, तो इसमें हमने सिंपल रेंज और उसकी वैल्यू निकाल कर हमने ले लिया। और अगर वन हॉट एनकोडिंग वाली है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया x=1 के, जो हम लोगों ने ऊपर दे रखा है, इससे हमें कॉन्फिडेंस स्कोर्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर हमने लॉग लगा दिया और हमने उसी को रिटर्न कर दिया, निगेटिव लॉग को। बस टेस्ट करने के लिए हमारे पास वैल्यूज थे ही, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, एक चीज़ देखना भूल गए, बताना भूल गया, यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि ये चाइल्ड क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, लॉस। तो पेरेंट क्लास से फंक्शन मेरे पास आते हैं ना, तो ऊपर से मेरे पास क्या फंक्शन आ जाएगा, कैलकुलेट। यहाँ से मेरे पास फॉरवर्ड आ गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे लॉस, अब मुझे क्या करना है, मुझे खाली लॉस के लिए अलग अलग इस तरह वाले क्लासेस बनानी है, जिनकी जिनमें मैं खाली फॉरवर्ड को चेंज करूंगा, कैलकुलेट मेरा सेम रहेगा। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है, ऊप्स वाला, कि आपको एक कोड से ही वाला कि कोड लेस लिखना पड़ रहा है। ये मैंने क्लास बनाई, मैंने सॉफ्टमैक्स से आउटपुट दिए, मैंने एक्चुअल वैल्यू दी और मैंने कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया, मैंने फॉरवर्ड नहीं कॉल किया, फॉरवर्ड वो कैलकुलेट कॉल कर रहा है। अगर आप कोड देखोगे ऊपर, कैलकुलेट के अंदर से फॉरवर्ड कॉल होता है, ये सब कुछ कैलकुलेट करता है, मीन निकालता है, और मीन इसने निकाल दिया यहाँ पर 0.3856804, जो मेरे पास ऊपर भी वैल्यूज यही आई थी, 3850680। तो ये मेरा पूरा काम। तो ये है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस। अब हमारा फॉरवर्ड पास एक पूरा हो गया है, कैसे, मैंने रैंडम वेट्स लिए, इनपुट मेरे पास आ गए स्पाइरल डेटा वाले फंक्शन से, ठीक है। न्यूरॉन मैंने बनाना सीख लिया, न्यूरॉन में मैं सम कर लेता हूँ, ठीक है, x×W^T+B से, इसके ऊपर मैं रेलू भी लगा लेता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं रेलू लगा लेता हूँ। फाइनल लेयर में मैं क्या लगा लेता हूँ, सॉफ्ट मैक्स लगा लेता हूँ प्रोबेबिलिटी चेंज करने के लिए, और इसका जो आउटपुट आता है इसके ऊपर मैं लॉस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इनपुट से और इन वेट्स और बैचेस को मैं रेंडमली असाइन करता हूँ, तो इनपुट से लॉस तक हम पहुँच गए हैं।
हमने अपनी आगे की जर्नी पूरी कर ली। अब लॉस से हमें पता चलेगा कि हम कितनी दूर हैं, तो उससे हमें निकालना है कि मेरे वेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे वेट्स की वजह से कितना लॉस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो अक्षत, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने वाले, तो अब टाइम आ गया है देखने का। जो चार पाँच छः वाले ना, ठीक है, तो वो टाइम आ गया है, क्योंकि उसमें हमने पूरे बैक प्रोपेगेशन की बात करी थी, कॉन्सेप्ट पूरा किया था। कल से हम लोग इसका कोड भी मतलब थोड़ा सा बात करेंगे, फिर कोड लिखना शुरू करेंगे कि कैसे इस लॉस को हम लोग, हाँ, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। तो उसको एक बार 5-6-7 देख लेना, एक बार चाहे बड़े 2-3 स्पीड पे देख लेना, जैसे देख लेना, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। अब हमें यहाँ से वापस जा, कौन कौन सा? अरे 4, 5, 6, 7 है मेरे ख्याल से। बैक प्रोपगेशन वाला जो है वो जरूर देख लेना, ठीक है, बैक प्रोपगेशन नाम सही है। तो अब हमें यहाँ से वापस जाना है, हमने सारी जितनी लेयर्स बनाई हैं सबका हमने फॉरवर्ड फंक्शन लिख लिया है, अब हमें बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड जाकर हम वेट्स को अपने अपडेट करेंगे, और इन्हीं वेट्स को अपडेट के बाद फिर फॉरवर्ड करेंगे, फिर बैकवर्ड करेंगे, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, जब तक ये वेट्स मेरे बेस्ट ना हो जाए। तो कल से हम लोग ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड लिखना शुरू करेंगे कि कैसे बैकवर्ड लिखना है आपको, कैसे ग्रेडियंट तो कैलकुलेट करना सीख ही लिया था, कैसे उसको कोड में लिखना है। और इस वीकेंड तक मेरे ख्याल से हम लोग साइन वेव वाला जो आप लोगों ने भेजा है वो मैं कल तक देख के बताऊँगा, उसको ट्रेन करने, कम से कम इसको तो ट्रेन कराने की कोशिश कर ले जाएंगे। अच्छा, वो रिग्रेशन का है तो उसमें क्रॉस एंट्रोपी लॉस नहीं लगेगा, उसमें दूसरा लॉस लगेगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये अभी हम लोग का फॉरवर्ड पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए खत्म हो गया है, अब हमें क्लासिफिकेशन के लिए बैकवर्ड करेंगे। रिग्रेशन में खाली आपका लॉस फंक्शन चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी सारा कोड वैसे ही चलेगा, खाली लॉस फंक्शन चेंज होगा। लॉस फंक्शन और लास्ट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन की जगह, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन की जगह हम लोग लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, जो मतलब उसमें कुछ नहीं करते। तो ये आज की क्लास, एक नया सर जैसे पाइटॉर्च हम लोग कर, पाइटॉर्च फ्रेमवर्क आया है जो, मतलब एक फास्ट एआई भी एक फ्रेमवर्क आया है जिससे हम करते हैं ये डीप लर्निंग। फास्ट एआई फ्रेमवर्क नहीं है, पाइटॉर्च एक पूरा फ्रेमवर्क है। फास्ट एआई पाइटॉर्च का यूज करके ना, तो फास्ट एआई लाइब्रेरी है और कोर्स है, असल में एक कोर्स है जर्मी हॉवर्ड का, तो वो जो अपना कोर्स कराता है तो उसमें वो सबसे कहता है कि यार ये इन सब लाइब्रेरीज में ना सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद से लिखी हैं और मुझे बहुत काम आती हैं। उसने पूरी लाइब्रेरी बना दी फास्ट एआई, और वो जब कोर्स कराता है कहता है देखो इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन है, इसे डायरेक्टली यूज़ कर लो, तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत ईजी पड़ जाएंगी। तो पाइटॉर्च अलग है, मतलब वो फ्रेमवर्क है, वो पूरा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के लिए बना है। फास्ट एआई भी डीप लर्निंग के लिए है, लेकिन वो खाली सेट ऑफ एडिशंस है पाइटॉर्च के ऊपर। नहीं, मुश्किल है, किरास के साथ अलग हुआ था। हाँ, ट्रांसफर लर्निंग भी मैंने सुना था सर, ये भी मतलब डिफरेंट है डीप लर्निंग के आगे? नहीं, डीप लर्निंग का ही पार्ट है। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि ये जो वेट्स हम लोग अभी खुद निकालेंगे ना, पूरे खुद सब ट्यून करेंगे, ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है कि भाई किसी ने ट्रेनिंग करा रखी है 1 महीना, उसके वेट्स को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़े क्लस्टर पे बहुत सारा काम कर रखा है, तो भाई उसने जब उतनी ट्रेनिंग करा रखी है तो हम उसके सारे वेट्स को हम खुद डायरेक्टली यूज कर लें। अच्छा, वो काम भी बहुत अच्छा करता है, तो इसीलिए वो यूज करते हैं। मैं कहूँ ना, एक बार तुम लोग का ये बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनाने लग जाओगे, फिर जितनी भी चीजें हैं वो सब खाली उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ है। हाँ, बताओ क्या कह रहे हैं। अच्छा सर, वो जो व्हाट्सएप में 2 टुक लिंक भेजे थे आप, एक बार वो खोल सकते हैं क्या अभी? कौन सी लिंक्स? एक टुक तो था कि येलो डॉट्स और ब्लू डॉट्स को सेपरेट करने का था, वो अच्छा लग था। टेंसर फ्लो वाला? अच्छा, समझ नहीं आया। टेंसर फ्लो वाला टेंसर वाला देखेंगे, वो चीज़ देखेंगे। एक बार हमारी लाइब्रेरी चल जाए ना, बैक प्रोपगेशन फ्रंट प्रोपगेशन, फिर वो तुम्हें बच्चों का खेल लगेगा कि हाँ इसमें क्या है, वो देखेंगे। सर, जैसे साइन फंक्शन वाला पूरा कर लेंगे तो मतलब हम लोग को सर मतलब काफी स्ट्रांग हो जाएंगे ना, कि मतलब ये न्यूरल नेटवर्क यूज करना सर, मतलब तक जब तक साइन फंक्शन अगर आ गया तो सीख लिया तो
साइन फंक्शन वाला कर लिया पूरा सब कोड अपने हाथ से लिख के, जैसे ये कोड मैंने लिखा है, ये कोड तुमने नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने भी किसी का छापा है, बट मैंने अपने हाथ से एक एक शब्द लिखा है। मैं चाहता हूँ यही काम आप भी करोगे, अपने हाथ से एक एक शब्द लिखो, भले वो मोबाइल में चला के या साइड में चला के रखो। ये क्लिप क्लिप वाला थोड़ा सा फंक्शन बता देंगे कि पाइथन का क्लिप वाला क्या कैसे काम करता है? वही काम करता है वो जो मैंने बताया ना कि आपने पूरा एरे दिया इसको, आपने इसको एक मैक्सिमम वैल्यू दी, इसको मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू दी, एक मैक्सिमम वैल्यू दी, तो जो भी वैल्यू इससे छोटी होगी उसको वो ये सेट कर देगा, जो भी वैल्यू इससे बड़ी होगी उसको वो ये सेट कर देगा। अच्छा, इस साइड राइट साइड वाले में वन भी दे सकते हैं ना? हाँ। और बाकी जुपिटर में तुम लोग खोलते हो कि नहीं खोलते हो? तो खोलते हैं। जैसे आप करो तो आप कंट्रोल स्पेस दिखाओ तो आपको वो भी दिखाता है, वो सजेशन दिखाता है कि क्या हर आर्गुमेंट का क्या मतलब है। और मैं कह रहा हूँ ये सब कोड खुद से टाइप करो तब आओगे आराम से, और साइन वेव वाला कर लोगे तो आपको बेसिक आइडिया पूरा हो जाएगा कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, फिर आप उसमें एडिशन करोगे कि हाँ ठीक है इमेज पे कैसे काम कराना है। डेटा सही भेज देते हम लोग, मतलब ऐसे निकालना कि देखा, मतलब थोड़ा सही लगा था मेरे को, ठीक है, तो वो अभी मैंने एकदम कंफर्म नहीं किया है, उसमें एक चीज है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो वो देखते हैं क्या चीज। ओके, तो ये वही है। हाँ, ये देखो बताता है कि आप मिनिमम वैल्यू दे दो, मैक्सिमम वैल्यू दे दो, इफ एन इंटरवल 0-1 इज गिवन देन वैल्यू स्मॉलर देन 0 बिकम 0 एंड वैल्यूज आर लार्जर देन 1 बिकम्स 1, तो आप 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ओके, बैक प्रोपगेशन के साथ।